दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर सुरेश रैना ने क्यों संन्यास लिया। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर रैना ने आज यानी मंगलवार को ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अपने देश और राज्य यूपी का प्रतिनिधित्व करना एक बड़े सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करना चाहता हूं। मैं बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट संघ, चेन्नई सुपर किंग्स और राजीव शुक्ला सर और मेरे सभी प्रशंसकों को धन्यवाद करना चाहूंगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया था संन्यास। गौरतलब है कि रैना ने 15 अगस्त 2020 को धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह घरेलू क्रिकेट खासकर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे थे। लेकिन पिछले सीजन में सीएसके ने मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया और फिर नीलामी में भी उनके लिए बोली नहीं लगाई। इसके बाद रैना पहली बार आईपीएल में अनसोल्ड रहे, विदेशी लीग में खेल सकते हैं। रैना ने एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने अपने फैसले से फैंस को चौंका दिया। रैना के इस फैसले का मतलब है कि वह अब आईपीएल या कोई और घरेलू लीग में खेलते नहीं दिखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रैना ने विदेशी लीग में खेलने के लिए यह कदम उठाया है। ऐसी अटकलें भी हैं कि यह ऑलराउंडर खिलाड़ी अगले साल से शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में खेल सकते हैं। इस लीग में भी चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों ने जोहान्सबर्ग की फ्रेंचाइजी को खरीदा है। यह लीग आईपीएल की तर्ज पर ही खेली जाएगी, जिसमें सभी 6 टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजियों के मालिकों की तरफ से ही खरीदी गई है। रैना के आईपीएल करियर की बात करें तो वह लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहे। उन्होंने लीग में कुल 205 मैच खेले और 5528 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले 1 शतक और 39 अर्धशतक भी आए। रैना के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 322 मुकाबले खेले और इस दौरान 32.87 की औसत और 92.45 की स्ट्राइक रेट से 7988 रन बनाए। उन्होंने इसमें 7 शतक और 48 अर्धशतकीय पारियां भी खेली। रैना ने गेंदबाजी में भी कुल 62 विकेट निकाले तो वही फील्डिंग करते हुए 167 कैच भी पकड़े। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।